हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, करण पटेल की वजह से आखिर क्यों दिव्यांका ने छोड़ा बिग बॉस सीजन 16? क्या है पूरी वजह और क्या है ये मामला, चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 का आगाज होने को है और ऐसे में नाम आ रहा था दिव्यांका त्रिपाठी का सामने। हम आपको बता दें कि दिव्यांका त्रिपाठी को फिल्म सिटी में स्पॉट भी किया गया था जहां पर दिव्यांका शूट करने पहुंची थी, लेकिन बाद में दिव्यांका ने शो के लिए मना कर दिया क्योंकि दिव्यांका के सामने बहुत बड़ा सच आ गया। दिव्यांका को पता चल गया कि करण पटेल भी शो में आ रहे हैं। दिव्यांका त्रिपाठी और करण पटेल का 36 का आंकड़ा था, ये है मोहब्बते के सेट पर। दिव्यांका नहीं चाहती थी कि करण और वो एक छत के नीचे एक बार फिर से आएं। और हम आपको ये भी बता दें कि दिव्यांका ने काफी ज्यादा झेला था करण पटेल के गुस्से को और उनकी बीवी की इनसिक्योरिटी को। जी हाँ, करण की वाइफ अंकिता भार्गवा काफी ज्यादा शक किया करती थी क्योंकि ये है मोहब्बते एक रोमांटिक शो था जिसमें करण की वाइफ का किरदार निभा रही थी दिव्यांका त्रिपाठी, और वो नहीं चाहती थी, यानी कि अंकिता नहीं चाहती थी कि इन दोनों के बीच में जरा सी भी नजदीकियां हों, और इसीलिए अंकिता ने सेट पर स्पॉट बॉय को स्पेशली छोड़ रखा था जो इन दोनों पे नजर रखे और पल पल की खबर अंकिता को दे। और दिव्यांका अब इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहती थी, जिस वजह से जैसे ही दिव्यांका को ये पता चला कि करण शो में है, दिव्यांका ने अपना नाम शो से वापस ले लिया और मेकर्स को कह दिया कि वो ये शो नहीं करना चाहती हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर पर भी इस बात की जानकारी अपने फैंस को दी। दिव्यांका चाहती तो ये जानकारी वो पहले भी दे सकती थी, लेकिन उन्होंने पहले नहीं दी क्योंकि दिव्यांका शो में आ रही थी। पर जैसे ही करण का नाम फाइनल हुआ, दिव्यांका ने बैकआउट कर लिया। आप क्या कहेंगे इस पर, हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।